कमाल लेवल एक्टर। मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद, मेरे पिताजी का नाम श्री लालधर प्रसाद। मैं 8वीं तक पढ़ा हूँ, लेकिन आज जो साइंटिस्ट होता है उसको भी मैं पढ़ाता हूँ, ऐसा भगवान ने मुझे ज्ञान दिया। मुझ में इतना पावर है कि मैं अपने संगीत से किसी को घर में से बाहर निकाल देता हूँ। ऐसा हमारी आवाज़ को सुन के मतलब आदमी मोहित हो जाता है। जय हो। क्या नाम है आपका महाशय? मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद। एक बार वंस मोर प्लीज। मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद। वंस मोर प्लीज। मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद है। बहुत अच्छा नाम है आपका। कहाँ से हैं आप? मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, अमरनाथ में रहता हूँ। गाने से आपका क्या, कितनी नजदीक से संबंध है और कितने दूर से नाता है? बहुत नजदीक से संबंध है। और दूर से नाता भी है? दूर से ऐसा मैं दर्द मतलब ऐसा गीत गाता हूँ दर्द भरी, जिसमें रहता है कि मुर्दा आदमी भी जिंदा हो जाए। अच्छा, वेरी गुड। ऐसा ही आर्टिस्ट चाहिए था हमको स्टेज पे, फैंटास्टिक। एक्स फैक्टर का क्या मतलब है आपके लिए? एक्स फैक्टर मतलब होता है कि साहस, कि साहस के सामने पूरा ब्रह्मांड डगमगाता है। ऐसा डराएंगे तो आप कैसे ही चलेगा? मैंने ऐसा निश्चय किया है कि एक दिन ऐसा बनूंगा कि लता मंगेशकर से आगे तानसेन जैसा मैं एक दिन इस धरती का विराट संगीतज्ञ बनूंगा मैं। मैं प्रेरित होकर आपसे दरख्वास्त करता हूं कि कृपया अपना एक्स फैक्टर प्रकट करें यहां पर। ट्रैक प्लीज। बेजान दिल को, बेजान दिल को, बेजान दिल को तेरे इश्क ने जिंदा किया, फिर तेरे इश्क ने ही इस दिल को तबाह किया। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यारी की, ऐसा क्या गुनाह किया, तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यारी की, ऐसा क्या गुनाह किया, तो लुट गए, अजब है इश्क यारा, पल दो पल की खुशियाँ, गम के खजाने मिलते हैं फिर, मिलती है तन्हाइयाँ, कभी आंसू कभी आहे, कभी सिकले कभी नाले, तेरा चेहरा नजर आए, तेरा चेहरा नजर आए, मुझे दिल के जालों में तेरी यादें तड़पाए, तेरी यादें तड़पाए, रातों के अंधेरों में तेरा चेहरा नजर आए। मचल मचल के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यारी, ऐसा क्या गुनाह किया, तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। अगर मिले खुदा को शीशे सा दिल क्यों बनाया, एक बात मुझे बताइए। yes.
आपको दुनिया में और कोई गाना नहीं मिला, मेरी पिक्चर का गाना मिला। ऐसा एक मोहब्बत ऐसा चीज है कि जिससे मतलब हम मोहब्बत करते थे उसका शादी मतलब हो गया, तो टूटा हुआ दिल है, बर्बाद हो गया। ऐसा मैं गाता हूँ ना, अगर मैं कहीं से अभी सीखा नहीं वैसा, मुझ में भगवान ने ऐसा ज्ञान दिया, लेकिन ऐसा मैं बनूंगा कि तानसेन जैसा। तानसेन जब गाते थे तो बारिश होने लगता था, ऐसा दीपक जलने लगता था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब आप वहाँ जाइए, बात करते हैं। सुरेंद्र जी, यस, जो सारा हमने मजा लिया है आपके साथ में, इसीलिए क्योंकि आपकी हिम्मत, आपके जज्बे और आपके जो अपने ऊपर आत्मविश्वास है, उसको नमस्कार। आपका बहुत कायल हो गया मैं कि आप इतने हिम्मत से आपने आके बोला कि मैं लता मंगेशकर जी से भी ऊपर जाना चाहता हूँ। यस, जिसको आगे बढ़ना है उसको कोई रोक नहीं सकता। कि हमें रोक सके इस जमाने में दम नहीं, हमें रोक सके इस जमाने में दम नहीं, और हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। क्या बात, क्या बात है सुरेंद्र प्रसाद जी। Struggle is life, time is money. I have no time to waste. My thought is very great. Let the lana vidhan throw in your life. I am first person to India level working, not I am first person to international level working. My dream is powerful energy. All universe my under action have more sound than speaking. Yes, thanks. God bless you with His love that makes every day joy to live. Thanks. Thank you. Thank you. Expector banunga main international. बहुत बहुत धन्यवाद, एक्सपेक्टेड। अगले साल मैं आऊँगा तो अच्छे से तैयारी करके आऊँगा कि सोनू निगम जी अपने कंधे पे बैठा के आपकी ले जाएंगे। हाय, मेरा नाम निशांत है और मैं यहाँ पे बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज़ की पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं अभी जो भी गाने गाता हूँ मैं अपनी हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड को डेडिकेट करता हूँ। मेरी हर खुशी में, मेरे हर दुख में, उसमें मेरे साथ रहती है और मुझे हमेशा सपोर्ट करती है। स्टेट ऑफ माइंड मेरा ये है अभी कि बस करके दिखाना है, कुछ भी हो जाए, इट्स ऑल लाइक ऑन द स्पॉट, जो भी होएगा ऑन द स्पॉट। आपका नाम बताइए। ओके, मेरा नाम निशांत है, मैं 19 साल का हूँ और मैं राजस्थान कोटा से यहाँ पे मैं पढ़ाई करने आया हूँ। तो आपका एम्बिशन क्या है, क्या बनना चाहते हो आपको, आप 5 साल के बाद अपने आप को कहाँ देख? मैं 5 साल के बाद अपने आप को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एज अ स्टॉक लीडर देखना चाहता हूँ। तो म्यूजिक का फिर क्या होगा? म्यूजिक इज माय पैशन, इट्स माय लव, इट विल ऑलवेज स्टे विद मी, हमेशा मेरे साथ रहेगा। जब आप कहते हैं म्यूजिक मेरा पैशन है तो आप अपने लिए गाते हो? अपने लिए और जो मुझसे जुड़ा हुआ है इंसान उसके लिए। कौन जुड़ा हुआ है आपसे? ऑब्वियसली आजकल सेक्शन 362 बहुत लागू होता है, लेकिन हाँ, मैं आई एम स्ट्रेट, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गाना गाता हूँ। तो आपकी आपकी गर्लफ्रेंड आई हुई आपके साथ? नहीं, यहाँ नहीं आई, उसका इंटरव्यू था। तो आज आप उनके लिए, आप हमारे लिए गा रहे हैं? आज भी मैं उसी के लिए गाऊंगा, मैं ऑडियंस के लिए नहीं गाता ऐसे, मैं आज भी उसी के लिए मन में दिमाग में रख के उसी को गाता। ट्रैक प्लीज। मस्ताना उस पे दिल दीवाना, दीवाना तेरा, तुझे ही बुलाए, ये मर्जी तेरी, तू आए ना। निशांत, यू नो व्हाट इज इंटरेस्टिंग अबाउट यू, आप दिल से गाते हो। आप अभी भी सोच रहे होंगे कि मेरी गर्लफ्रेंड कहीं ना कहीं सुन ले या उसको याद करके आपने दिल से गाया। एक ब्राइट प्रोजेक्शन है आपके आवाज़ में, आप स्टेज के ऊपर आप आँख पकड़ के रखते हो। सो नाइस ऑफ यू। मेरा जहाँ तक मानना है निशांत, आई विश आप थोड़े से और गंभीर होते गाने की तरफ। आपके अंदर पोटेंशियल इतना ज़्यादा है, दिख रहा है साफ कि जितना आप में पोटेंशियल है उतना आपका प्रयत्न नहीं है, तो आप स्टॉक एक्सचेंज में ही बेहतर हैं। आप गाने को सीरियसली नहीं ले रहे? मैं सीरियसली सर लेता हूँ, असल में ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं
शायद 40 घंटों से सोया नहीं हुआ सर, मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, मैं आज सिर्फ 2 घंटे सो के आया था. मैं दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज बट मैं आपको अगर आपको मौका दिया जाएगा तो आपको लगता है कि आप एक्स फैक्टर के पायदान पर खड़े उतर पाएंगे? क्योंकि आपने अभी तो ठीक ठीक गाया है, आपने ऐसा कोई ख़राब नहीं गाया है, पर आपने ऐसा नहीं गाया कि आपको बहुत आपकी बहुत तारीफ भी की जाए. मैं जानता हूँ. तो आपके अंदर सिंसेयर होने के गुण भी हैं या नहीं है? जी बहुत है सर, मैं बहुत सिंसेयर हूँ. आपकी आवाज़ अच्छी है, आपकी आवाज़ की क्वालिटी अच्छी है, पर सिंगिंग नॉट देयर. मुझे लगता है कि उसकी जो ये अलर्ट पर्सनालिटी है, जो दिल में आता है बोलता है, जो दिल में आता करता है, सच बोला उसने कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गाता हूँ, आज ऑडियंस के लिए भी नहीं गा. देयर इज समथिंग नाइस ऑनेस्ट एंड सॉलिड अबाउट यू. सो पोटेंशियल इज देयर, इट्स गुड. थैंक यू. एज अ पर्सन अगर हम आपको पकड़ लें तो आप पोटेंशियल को पकड़ लेंगे? सर आप मुझे एक बार पकड़ के तो देखिए मैं क्या क्या पकड़ता हूँ, आप जान भी नहीं सकते. क्या मतलब है आपका? मतलब म्यूजिक से रिलेटेड सर, क्या क्या पकड़ता था उन नोट्स, उन सुरों को लेकर सर. सोचना पड़ेगा संजय जी, थोड़ा ये तो गड़बड़ है. मेरी तरफ से हाँ. मेरे लिए हाँ. थैंक यू. थैंक यू सो मच. वेलकम टू एक्स फैक्टर. थैंक्स अ लॉट. जीना जो ना मिला है, हारना मुझे नहीं पता. जस्ट प्लेड हिमसेल्फ, ही इज ऑनेस्ट. बदमाश है, बदमाश प्ले किया उसने. बदमाश तो बहुत है. वाओ, मैं सिलेक्ट हो गया. मैं एक वाइल्ड बच्चा हूँ अकॉर्डिंग टू जजेस, और मुझमें है एक्स फैक्टर.